क्या ऐसा हो सकता है? तो शुद्धानंद जी ने आपको बताया, और अगर आप कभी काशी गए हैं तो उन्होंने मालूम हो या ना मालूम हो, उन्होंने नवमुंडी आश्रम की स्थापना की। आज भी उन्होंने कागज पे या कोई बात नहीं की, जाकर पत्थर पर पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति को बताओ जो इस नवमुंडी आश्रम में बैठा हो और इच्छा कर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, आप कोई भी जाकर शुद्धानंद जी के कारण में इस बात को काशी में पढ़ सकते हैं। शुद्धानंद कारण में उन्होंने पत्थर पर लिखा था, मैंने जो नवमुंडी आश्रम स्थापन किया है इसके ऊपर जो भी बैठेगा उसकी कोई भी इच्छा वो पूर्ण होगी, ऐसा उन्होंने लिखा था। लेकिन उनके शिष्यों में बहुत सारे शिष्य ऐसे निकले जो मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए, मेरे को मेरा घर सुखी हो। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरा भारत स्वतंत्र से बाहर आए, कोई ये नहीं पूछा कि मैं मेरे देशवासियों को सुख समृद्धि दे सकूं। और बाद में जब ऐसा होने लगा जो उन्होंने एक तुच्छ कारण से इधर स्वच्छ न होकर नवमुंडी आश्रम पर बैठा गया तो उन्होंने नवमुंडी आश्रम को बंद करने के लिए कहा गया। आज भी नवमुंडी आश्रम बंद है, आप उसे देख सकते हैं। सिद्धाचरण जी ने अपने काम उनको जो जहाँ तक विद्या दी गई उन्होंने देने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें रोका गया और हमने उन्हें अच्छी तरह काम करने नहीं दिया। हम गुरु जी के पास कहीं भी जाते हैं तो केवल यही पूछते हैं कि मेरा जीवन किस तरह उद्धार हो, मेरे परिवार का उद्धार कैसे हो। कभी हमने नहीं हुआ, एक विद्या भी आप सीखेंगे तो आप संसार को बदलने की शक्ति रखेंगे। गुरु जी के एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। गुरु जी एक जंगल में चले जा रहे थे तो जाते जाते उनको प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है क्या। निखिल स्वामी जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण का घर है। निखिल स्वामी जी उसके घर पर गए, देखते क्या कि बहुत दरिद्रता है, गाँव है छोटा सा, ब्राह्मण दरिद्र है। उसने कहा कि भाई तुम्हारे घर में कुछ होना हो मुझे एक गिलास पानी दे दो बहुत, क्योंकि वो जंगल से आ रहे थे, अरण्य से आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक गिलास पानी मुझे दे दो। उस ब्राह्मण ने आकर गिलास पानी दिया, बोले आप तो महान साधु सन्यासी दिख रहे हैं, फिर आप पानी के लिए, हाँ मेरी सिद्धियाँ मेरे लिए उपयोग नहीं होती, मैं सन्यासी हूँ, या तो भिक्षा मांग के लेना है या तो फिर पूछ के लेना है, इसलिए मैंने आपसे पानी मांगा है, तो एक गिलास पानी दे दो। उसने एक गिलास पानी दिया तो ग्लास का पानी जो देखा वो पत्तों से बने हुए ग्लास जिसे द्रोण कहते हैं, उसके घर में किसी का ग्लास भी नहीं था, उस द्रोण से पानी दे दिया। निखिल श्याम जी के आंखों में आंसू आए, उन्होंने कहा तुम्हारी से इतनी गरीबी में जीते हो, हाँ प्रभु क्या बताऊँ, यही है मेरा जीवन और मैं इसी तरह जी रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक छोटी सी विद्या सिखाता हूँ। क्या? कि आस्थमा जिसको हो मैं उसका एक नुस्खा बनाता हूँ, नुस्खा है एक दवाई बताता हूँ, इस दवाई को तो अगर किसी को देता है तो आस्थमा कम होगा। मैंने कहा प्रभु इसमें इससे क्या होगा, ये तो छोटा काम है, यहाँ कौन लोग आएंगे। तो मैंने कहा मैं आशीर्वाद है मैं तुझे देता हूँ, एक तू ले लेना। उस रोगी ने उस नुस्खे को ले लिया। अब दूसरे ही दिन क्या हुआ, बाजू के राजा के बेटे को बहुत अस्थमा हो रहा था, तो इसे ज्ञात हुआ कि राजा के बेटे को अस्थमा हुआ है। इसने ले जाकर कहा प्रभु ये अस्थमा के लिए ये दवाई है, आप देखकर तो देखो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जैसा ही वो दवाई ली राजा का बेटा स्वस्थ हुआ। राजा ने कहा वाह रे वाह, आज तक मैंने किसी को नहीं पूछा कि इतना देते हुए तुमने एक काम किया। राजा ने प्रचार करना शुरू कर दिया, आपको अस्थमा के लिए यहाँ अगर दवाई उसके पास जाओ तो अस्थमा कम होता है। लोग उनके पास भीड़ लगाकर लाइन लगाने लगे। अब उसने निर्णय कर लिया, इतना पैसा लो, ये पैसा नहीं पूछता था, जो तुम डाले वही सही उसको ले लेता था। इसके पास इतना पैसा, घर हुआ, बंगला हुआ, सब कार भी मोटर सब कुछ हुई। और जब देख रहा था कि उस प्रभु उस सन्यासी ने केवल एक नुस्खा एक दवाई मुझे दी और आज मैं करोड़पति हूँ, तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि वो जो सन्यासी वो कहाँ है। बाद में उन्हें पता चला कि वह अपना सन्यास जीवन व्यतीत कर डॉक्टर नारायण सिवानी के नाम से जोधपुर में रहते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से एक बैग में 5 लाख रुपए लेकर गुरु जी के पास आया और उन्होंने कहा प्रभु मैं आप मुझे पहचानते नहीं होंगे, मैं फलाना आपने मुझे ये दवाई दी थी और मैं उस दिन समझा था कि इस दवाई का क्या कारण, इस दवाई से मुझे क्या समझना है क्या लेना है, लेकिन मैं समझ गया था आपने मेरे जीवन का उद्धार किया प्रभु। आज मेरे पास बहुत राजाएं महाराजा प्रजा मंत्री आदि सब लोग आते हैं दवाई के लिए और मैं उन्हें शाम के साथ कहता हूँ केवल 8 और 11 के बीच में दवाई दी जाएगी, बाद में मिनिस्टर भी आए दवाई नहीं दूंगा, और मेरे पास लाइन लगाकर खड़े होते हैं सुबह तक कि ये उस दवाई को लेने के लिए। प्रभु इस उस दरवाजे पर कोई नहीं आता, जिस दरवाजे पर आप आके गए उस दरवाजे पर लाइन लगी हुई है और उस घर में करोड़पति की लक्ष्मी नाचती है। ये गुरु जो गरीबी और अपने शिष्यों के
दर्द को समझे वो शिष्य थे और दर्द गुरु ने कहा कि तूने जो 5 लाख रुपए लाए वो तेरे लिए ठीक है, मैंने दवाई ली, मैंने जब कहा है विद्या दी है तो विद्या दी है, मैंने दे दिया है तो लेकर चल जा। उसके वो रोता हुआ ये कहता हुआ कि ऐसा गुरु मैंने नहीं देखा है, इतनी महान था उनके पास थी ये गुरु, अपने पास इतनी विद्याएं लेकर भी हमने गुरु से कभी विद्या नहीं मांगी। हम मानते रहे तो हमारे जीवन की उन कलाओं को, उस जीवन के अपूर्तियों को मांगते रहे, हम कभी ये नहीं मांगे कि गुरु मेरे जीवन किससे अच्छा होगा, क्या करने से ठीक होगा, ये कभी हमने अपने गुरु से नहीं मांगा। मैं आपको इस चेतावनी को क्यों कहीं ले रहा हूँ, और कितने दिन ऐसे ही मांगते हुए जीवन गुजारो, कुछ अपने जीवन को सुधारो, कोई ऐसे विद्या से ही जाओ जिससे लोक कल्याण भी हो, तुम्हारा नाम भी हो, गुरु का नाम भी हो और तुम ऐश्वर्यवान बनो। ऐसे कोई विद्या गुरु से मांग कर ले लो जिससे आप महान बन सके। मैंने सुबह तो आपको जैसे स्वर्ण कात्यायनी ने विद्या प्रदान, स्वर्ण कात्यायनी से स्वर्ण, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिसने ये साधना संपूर्ण अच्छी तरह से की उसके घर में तो स्वर्ण धन धान्य आदि सब पूर्ति हो गए, लेकिन उसका उपयोग किस तरह होगा, उसका उपयोग किस तरह होगा। बीवी के गले में 100 तोला सोना होगा, तेरे हाथ में एक सोने की घड़ी होगी, पीछे मर्सिडीज कार होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, और तू नीचे नहीं देखेगा पूरा ऊपर देखेगा, तेरा गुरु भी जा रहा है तो उसे तू देखेगा नहीं, इस तरह तेरी स्थिति हो जाएगी। तो तब उसका क्या मतलब, उसका क्या अर्थ क्या हुआ, तूने कभी सोचा कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या करने से ठीक होगा। मैं आपको ये कहता हूँ उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, और इस दुरुपयोग को ना हो हमारे घर में पैसा बंधा हुआ रहे, यही बात ठीक। देवता का नाम होता है देने वाला, भोलेनाथ भोले शंकर भी अपने पास कुछ नहीं रख लेते, जो पूछो वो देने के लिए तैयार। जब यक्ष के अधिपति कुलस्त के पोते विश्रवा के वैश्रवण उनके पुत्र कुबेर जब साधना में रत हो गए और उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे, मैं आपकी सेवा करता हूँ, मुझे क्या कहते हो, तो यक्ष, रक्ष को राक्षस कहते हैं, रक्षा को हरण करने वाला राक्षस है, और यक्ष यानी वो है जो तुम्हारे घर में जो भी रखा हुआ है उसकी रक्षा करने वाला, उसको अपने आंखों से देखकर रक्षा करने वाला उसे यक्ष कहा गया। यक्ष एक योनी है, उस यक्ष को यक्ष करते हैं। तो जब जाकर पूछा गया उसने साधना संपन्न की तो शिव जी देखकर कहने लगे, हे देवताओं तुम देने से पहले कभी अप्सराओं पर खर्च करते हो, अप्सराओं पर सोने की माला, तुम्हारी अप्सराएं, अप्सराओं को देवता की वेश्याएं कहा गया है, तो तुम इसके ऊपर खर्च करते हो, भोग भाग्य करते हो, अगर कभी गलती हो गई तो अप्सरा पे शापग्रस्त होकर जमीन पर आती है, कभी शापग्रस्त हो गए तो देवता पे भूमि पर आकर जन्म लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें अगर उसका कंट्रोल ना किया, तुम्हारे उस दुरुपयोग का कंट्रोल ना किया गया तो ये सारी चीजें होती, तो इस तुम्हारे पास जो ऐश्वर्य धन आदि सब है उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए। और तब उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए यक्ष के राज कुबेर को अपनी श्रेष्ठता प्रदान की और कहा कि तुम यक्षराज, तुम कुबेर इस धन को कंट्रोल करो और उस संसार में उसका सदुपयोग हो ऐसा देखो। इसलिए यक्ष देवताओं के कुबेर धनाध्यक्ष बने गए, और जिस घर में उस धनाध्यक्ष यक्ष की पूजा होती है वो श्रेष्ठता जी का साथ कहता है कि उसके धन का दुरुपयोग नहीं होता, लेकिन यक्ष सर यक्ष कुबेर सभी के घर में आना ये कोई साध्यता नहीं है। लेकिन यक्षिणियों की साधना, यक्षिणियां कितनी प्रकार के 2000 यक्षिणियां हैं, और एक उन यक्षिणियों को सिद्ध करने, तो यक्षिणी जब तुम्हारे घर में, यक्षिणी किससे रहती है, वृक्षों के साथ यक्षिणी का लगा है, अंकुर यक्षिणी, निर्गुंडी यक्षिणी, वटे यक्षिणी, पीपल यक्षिणी, घनदा यक्षिणी, ऐसे सारी यक्षिणियां, बहुत सारी यक्षिणियां हैं। जिस पेड़ को कोई कुल्हाड़ी ना लगी हो उसको उस पे यक्षिणी का वास होता है ऐसा कहा गया है। हम अगर किसी घने जंगल में चले जाए और जिस वृक्ष को कोई ने काटा ना हो उसके नीचे उस यक्षिणी का मंत्र आप करो तो यक्षिणी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का दुरुपयोग नहीं होने देती, और यक्षिणी अगर धन का दुरुपयोग नहीं होने देती तो उसके अगर उसका सदुपयोग होता है तो यक्षिणी को प्रमोशन मिलता है, वो गंधर्व और गंधर्व से अप्सरा, अप्सरा से देवता योनि में चली जाती है। इसलिए यक्षों का कहना और यक्षों का रहना एक संसार में श्रेष्ठता का वचन कहा गया है। मैं इसलिए कहता हूँ मैंने तो स्वर्ण कात्यायनी साधना प्रदान की आपको, लेकिन आपके उस धन का दुरुपयोग ना हो, धन का दुरुपयोग ना हो और आप एक अच्छे उपयोग से काम चलते हुए करें। बहुत सारे लोग गुरु जी यक्षिणी सिद्ध होती है क्या, अप्सरा सिद्ध होती है क्या, मैंने सुना है लास्ट शायद लास्ट गुरु जन्म दिवस पर या गुरु पूर्णिमा पर मैं एक दिव्यांगना साधना दिया था, इसमें शायद बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दिव्यांगना साधना संपन्न की हो, उसमें जिन्होंने भी जाकर गंगा किनारे या पहाड़ पर किए हैं ऐसे मेरे 4 से 5 साल मुझे फोन करके बताते हैं गुरु जी हमने दिव्यांगना को प्रत्यक्ष देखा है।
और ये बात मैं आज नहीं, लक्ष्मीनारायण श्रीनिवास नाम का आदमी है, उसका भेजा हुआ मेरे पास नोट भी है कि मैंने वहां साधना संपन्न की और मुझे दिव्यांगना का दर्शन हुआ। उसे दर्शन होता है और आपको नहीं होता तो हम कहां गलती कर रहे हैं, हम कहां। थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो आए और वहां से आकर निराश होकर चले गए कि हमारे को दिव्यांगना का, दिव्यांगना की साधना एक बार नहीं होती, दूसरी बार नहीं होती, तीसरी बार तुम करो, कैसे सिद्ध नहीं होगी, दूसरों को होती है, तुम्हें क्यों नहीं होती।